बैतूल जिले की भैंसदेही में बीती रात आए आंधी तूफान के साथ बारिश में भैंसदेही के वार्ड नंबर 3 निवासी रमेश बगदरे जो की वीडियो कॉल डीटीएच लोगों के घर पर लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर अपना घर चलाता है, उसके घर की छत उड़ गई। अब इस आपातकाल में उसके सामने बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो गई है कि अब वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे। इस गरीब को अगर पीएम आवास का लाभ मिला होता तो इसके इतने मेहनत से कमाए पैसे आज आंधी तूफान में नहीं बहे होते। इसके साथ ही मोहल्ले के कमलेश सोनारे, राजेश सोनारे की मकान की छत दीवार को तोड़कर उड़ गई, जिसमें घर में रखे खाने पीने के सारा सामान गीला हो गया, जिससे लगभग 80 से 90 हजार का नुकसान हो गया। लेकिन गनीमत रही कि घटना के वक्त रमेश के परिवार के लोग घर में नहीं थे, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अब घर में सोने की जगह भी नहीं बची है, इसे ही कहते हैं गरीबी में गिला आटा। अब देखना ये है कि प्रशासन के द्वारा इन पीड़ित परिवारों की क्या मदद की जाती है।